तो आज हम डिस्कशन करना चाहेंगे आइंस्टीन एनर्जी इक्वेशन के बारे में। सबसे पहले दोस्तों हमें यूजर से पूछना पड़ेगा मास। अब मास को मैं एम मान लेता हूं। अब स्टेप टू में कॉन्स्टेंट मानना पड़ेगा। स्टेप टू लेट ई इक्वल टू सॉरी सी इक्वल टू 3E8। यहां पे 3E8 का मतलब है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, यानी 3×10⁸। लेकिन क्योंकि कंप्यूटर में ऐसा लिखना संभव नहीं है तो उसको हम क्या लिखते हैं 3E8, यानी 3×10⁸। अब हमें 12th में पढ़ाया गया था ई इक्वल टू मास इंटू स्पीड का स्क्वायर, तो एम इंटू सी इंटू सी। अब स्टेप फोर्थ हमें प्रिंट करना पड़ेगा ई कितना है, तो हमने ई को प्रिंट करवा दिया और फिर फिनिश। लॉजिक की सबसे अच्छी विशेषता होती है कि लॉजिक किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे निर्भर नहीं करता। आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करें, लॉजिक हमेशा वही चलता है दोस्तों। अब हम बनाना चाहेंगे इसका फ्लो चार्ट, जो कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट करता है। फ्लो चार्ट में पहले से फिक्स्ड सिंबल्स होते हैं, वही सिंबल्स हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया, हमें यूजर से इनपुट लेने के लिए कहा गया, तो इनपुट के लिए हम यूज करते हैं पैलोग्राम। अब हमें यूजर से स्पीड ऑफ लाइट नहीं पूछना है, क्योंकि मैं फिजिक्स का स्टूडेंट हूं, मुझे स्पीड ऑफ लाइट पता है। लेकिन हर व्यक्ति को स्पीड ऑफ लाइट पता हो नॉट कंपलसरी, तो मैं उसे डायरेक्टली यहां पे कंप्यूटर को बताना पड़ेगा कि ये सी की वैल्यू है। और ये प्रोग्राम सिखाने का मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि यहाँ पे जो थ्री है दोस्तों, इससे हम कहते हैं मेंटिसा और इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट, यानी n×10⁻। अब हमें दोनों चीज पता चल गई, तो हमें फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूला लगाने के लिए रेक्टेंगल, तो e इक्वल टू m इंटू सी इंटू सी। अब हमें प्रिंट करवाना है, और फिर सिंपली स्टॉप। तो जैसा हमने लॉजिक डिस्कस करा था वैसा हमने लॉजिक बना लिया है, इसे सेव कर लेते हैं। अब दोस्तों हम जानते हैं कि हर प्रोग्राम रन के कुछ स्टेप हमेशा सेम रहेंगे। जैसे मैंने सीखा था कि हमें हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ती है stdio.h। अब मेरे कई दोस्तों के मन में सवाल पूछा कि stdio.h कब, तो यूज प्रिंटफ स्कैनफ, क्योंकि प्रिंटफ स्कैनफ फंक्शन की कोडिंग की गई है इस हेडर फाइल में। ये जो मैं डबल स्लैश लगा रहा हूँ उसे हम कमेंट कहते हैं। कमेंट वो लाइन होती है जिन्हें कंप्यूटर इग्नोर कर देता है, सो दीज आर द इग्नोरेबल लाइंस। जो भी प्रोग्राम हम रन करेंगे मेन फंक्शन से एग्जीक्यूट होगा, तो यहाँ तक तो हमें कोडिंग लिखनी ही लिखनी है। हो सकता है कि आगे चल के मैं इलॉजिक ना लिखूँ, बस इसके अंदर की कोडिंग लिखूँ। लास्ट टाइम ने पढ़ा था कि हमारे सी लैंग्वेज में डेटा टाइप इतना जरूरी है, तो यहाँ पे क्या यूज हो रहा है एम और ई। हमने कहा था कि जब भी हमें पॉइंट्स में काम करना या साइंटिफिक कैलकुलेशन करनी, तो डबल डेटा टाइप सबसे अच्छा है। तो जब भी मैं साइंटिफिक कंपटीशन करूंगा तो हमेशा क्या यूज करूंगा डबल। ये फ्रैक्शन को भी सपोर्ट करता है, यानी इंटीजर भी चलेगा और फ्रैक्शन भी चलेगा। अब हमें मैसेज देना है दोस्तों क्या, प्रिंट एफ एंटर मास, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी मैसेज डिस्प्ले करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अब हम स्कैन एफ यूज करेंगे। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था परसेंट एल एफ कि जब भी हमें डबल वैल्यू पे वर्क करना, तो डबल वैल्यू के लिए परसेंट एल एफ यूज होता है। अगर इंटीजर होता तो परसेंट डी यूज होता।
अब लॉजिक ही पहली स्टेप अचीव हो गई, अब हमें सेकंड स्टेप अचीव करनी है। हमने पढ़ा था कॉन्स्ट डबल सी इक्वल टू 38। यहाँ पे कॉन्स्ट का मतलब क्या है? वैल्यू इज फिक्स्ड या कॉन्स्टेंट। हम चाहते कि कोई भी इस वैल्यू को प्रोग्रामेटिकली चेंज ना कर पाए, तो हमने कॉन्स्टेंट दे दिया। तो पहली स्टेप भी हो गई, सेकेंड स्टेप भी हो गई, अब मैं थर्ड स्टेप परफॉर्म कर रही। तो थर्ड स्टेप में कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ए इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अब हमें प्रिंट करना है दोस्तों, किसे प्रिंट करना है? एनर्जी को। प्रिंट एफ में कुछ भी मैसेज लिख सकते हैं, जैसे पहले तो मैं लिखा था सम इक्वल टू परसेंट डी कॉमा सी। टेक्निकली जहाँ पे परसेंट डी लिखा है वहाँ पे परसेंट डी प्रिंट नहीं होगा, बल्कि वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी। तो आज हमारे वेरिएबल का नाम क्या है? ई। तो सी की जगह क्या देगा? ई। आज हमें सम नहीं प्रिंट करना, आज हमें क्या प्रिंट करनी है? एनर्जी प्रिंट करनी है। अब यहाँ पे क्योंकि डबल डिजिट टाइप पे तो परसेंट एलएफ आ जाएगा, और हम चाहते कि लास्ट में क्या लिखा जाए? जूल लिखा जाए। नॉट कंपल्सरी कि हम लिखें, लेकिन हम चाहते कि यूज़र को मैसेज क्या मिले? जूल में आंसर मिले। अब हम इस प्रोग्राम को यहाँ से रन करना चाहेंगे। अब कैसे रन करना है हम जानते हैं कि कोड बॉक्स में हमेशा में फाइल में जाके न्यू फाइल करना पड़ता है और एम्प्टी फाइल। तो सिंपली फाइल में जाके हमने एम्प्टी फाइल कर दी और यहाँ पे प्रोग्राम को टाइप करना है। सेव करना ज़रूरी है, हमने सेव पे क्लिक किया। आप जहाँ चाहें वहाँ सेव कर सकते हैं। और हमेशा कहते हैं एक मीनिंगफुल नेम। डॉट सीपीपी हमेशा मैं देता हूं दोस्तों। हमने इसे सेव किया। अब यहां पे बिल्ड में जाके कंपाइल करना है। मेरे दोस्तों को जब एरर आता है तो मेरे दोस्त एरर का मैसेज पढ़ने की कोशिश नहीं करते। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, एरर के मैसेज में लिखा होता है कि क्या आपने गलती की है। तो दोस्तों से रिक्वेस्ट है, जब भी एरर है तो मैसेज पढ़िए कि क्या लिखा है मैसेज में। यहाँ मैंने दिया 1 KG सॉरी। अब हम जानते कि कितने जूल जनरेट हो रहे हैं दोस्तों, 3 × 3 9, और पावर हमेशा ऐड होता है, तो 8 + 8 = 16। तो ये कितने जीरो से दोस्तों? 16 जीरोस। और हम जानते कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि बाय डिफॉल्ट डेसिमल के बाद कितने जीरोस आते हैं? 6 जीरोस आते हैं। हालांकि हम चाहे तो इसे कंट्रोल कर सकते हैं, हम चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं 0.2 LF। तो उसके इसमें कितने आएंगे केवल दोस्तों? 2। अब इसे हम कंपाइल करते तो एरर आ जाएगा, कहाँ? यहाँ एरर आएगा। अब देखिए मेरी दोस्त मैसेज पढ़ती नहीं, क्या लिखा है? एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर प्रिंट। ये प्रिंट एफ है, इसके पहले यानी यहाँ सेमीकोलन बोल रहा है। हमने इसे कंपाइल किया फिर से, अब इसे रन करते हैं। फिर से हमने कहा 1 KG दोस्तों। तो जहाँ पहले हमें दिख रहे थे 6 decimal places, अब केवल 2 decimal places हमें दिख रहे हैं। अब दोस्तों सेम यही प्रोग्राम में फिर से बनाना चाहूंगा। दोस्तों अभी हमने जो यूज किया प्रिंटफ स्कैनफ, वो सी में भी चलता है, सी प्रोसेस में भी चलता है। लेकिन हमारे बिजनेस स्टार्टअप ने सी प्रोसेस में एक और फीचर इंट्रोड्यूस किया, सी आउट सीन। ऐसे टीचर मैं आपको दोनों में वर्क करना सिखा रहा हूँ। एक बार जब आपको मैं दोनों में वर्क करना सिखा दूँ तो फिर आपकी इच्छा, आपको जो ऑप्शन अच्छा लगे आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अब STDIO.h नहीं, हमें क्या चाहिए? IOStream चाहिए। .h लगाने की जरूरत नहीं जब हम GCC में काम कर रहे हैं। और ये क्यों हम यूज़ कर रहे हैं? टू यूज़ सी आउट सीन।
यहाँ पे मैं एक एक्स्ट्रा लाइन लिखनी पड़ती है यूजिंग नेम स्पेस। आज भी मैं नहीं समझाऊंगा कि नेम स्पेस क्या होता है, आगे चल के मैं समझाऊंगा कि वॉट इज नेम स्पेस। आप में से हो सकता है कि कई फ्रेंड अभी भी टर्बो सी में काम करते हो, तो टर्बो सी में ये लाइन रिक्वायर्ड नहीं होगी। ऐसे टर्बो सी में पुट डॉट एच, अगर आप में से कोई टर्बो सी में काम करते तो टर्बो सी में आपको लिखना पड़ेगा आईओ स्ट्रीम डॉट एच। यहां पे मैं डॉट एच लगाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ वही रहेगा, बस जहां जहां प्रिंट एफ लिखा है दोस्तों वहां पे हम क्या लिखेंगे सी आउट। इसको हम कहते हैं पुट टू यानी भेजना। हम सिस्टम से करें जो मैसेज है ये हमें सी आउट पे भेजना है, और सी आउट का मतलब है कंसोल आउटपुट, और कंसोल आउटपुट का मतलब है मॉनिटर। अब जहां पर हमने स्कैनएफ लिखा है दोस्तों वहां पर हम लिख सकते हैं सीन कंसोल इनपुट यानी कीबोर्ड। जब हम यूज करते हैं प्रिंटएफ स्कैनएफ तो हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर मेंशन करना पड़ता है, लेकिन जब हम यूज करते हैं सी आउट सीन तो डजंट मैटर कि आपका डेटा टाइप क्या है, आपको एड्रेस भी देने की जरूरत नहीं है। अब हम जानते कि यहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट करना होगा, यहाँ पे लिखा है प्रिंट एफ तो यहाँ पे अगेन क्या आ जाएगा सी आउट। यहाँ पे परसेंट एल एफ नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ पे डायरेक्टली ई आ जाएगा। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग फैक्टर, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि सिंपल थी कैस्केडिंग, वी क्यू मीन्स वाई वा क्वेश्चन। इसको हम समझें कि मैं टेक्निकली क्या कर रहा हूं दोस्तों। जो भी चीज हम डबल कोट्स में लिखते हैं वो मैसेज होता है, तो ये पूरा एक मैसेज हो गया। यहां डबल कोट्स यानी ये एक वेरिएबल है, तो हमें आउटपुट कुछ ऐसा दिखना चाहिए, हमें दिखना चाहिए एनर्जी इक्वल टू फिर जो भी ई की वैल्यू होगी, जैसे अभी हमें मिला था 9 और फिर बहुत सारे जीरोस, मैं नंबर ऑफ जीरोस काउंट नहीं करूंगा यहाँ पे डॉट जीरो जीरो, और फिर देखिए फिर से ये मैसेज आ गया। तो कंक्लूजन निकला कि जहां पे पहले हम परसेंट एलएफ देते थे वहां पे परसेंट एलएफ की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली उस वेरिएबल का नाम। और मल्टीपल टाइम इसको यूज करने को हम क्या कहते हैं कैस्केडिंग, यानी आपस में जोड़ना। तो आपस में जोड़ने को हम क्या कहते हैं कैस्केडिंग। तो फर्स्ट ईयर के वाइवा में टीचर सवाल पूछेंगी कि कैस्केडिंग का मतलब क्या होता है। तो हमने यहां पे जो है दोस्तों इसको पहले सेव कर लेते हैं फिगर को, और यहां पे लिख रहे हैं यूजिंग सी आउट से। तो हमने क्या किया दोस्तों यहां पे सबसे पहले मैसेज शो करवाया, तो जो डबल कोट्स में लिखा वो मैसेज है, फिर हम चाहेंगे वेरिएबल ई की वैल्यू प्रिंट हो, और फिर से एक मैसेज। तो इनको आपस में कंबाइन करने को हम क्या कहते हैं कैस्केडिंग रूल, यानी आपस में जोड़ने का रूल। अब हमें बस करना क्या है इस प्रोग्राम को कॉपी करना है। अच्छा ऐसे टीचर में एक प्रोग्राम को सिखा दो तो उसके बेसिस पे कई प्रोग्राम्स आप घर में प्लान कर सकते हैं। तो सिंपल में फाइल में आके न्यू फाइल करना है और उसे सेव करना है। हमने इसका नंबर 2 कर दिया और यहाँ पे प्रिंट एफ स्क्रीन पे जगह लिख दिया सी आउट से। अब प्रोग्राम तैयार है, इसे कंपाइल किया जाए। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि कभी कभी ये लॉग विंडो नहीं शो होती है दोस्तों, ये जो नीचे लॉग विंडो हमें दिख रही है, तो व्यू मेनू में ऑप्शन है लॉग विंडो जिसका शॉर्टकट F2 बटन है। अभी मेरे प्रोग्राम में कहीं कोई मिस्टेक नहीं तो इसे रन किया जा सकता है। मैंने अगेन कहा मास 1 kg। अब हमें ऐसे आंसर दिख रहा है दोस्तों,
तो उसको ठीक भी किया जा सकता है. नाउ दिस इज कैंपस क्वेश्चन, यहां भी लिखना पड़ेगा फिक्स्ड. नाउ सी द मैजिक. सो दिस इज द कैंपस क्वेश्चन, क्योंकि आपके जिन फ्रेंड को ये कंसेप्ट नहीं पता है उनको हमेशा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर मिलेगा. तो इसको मैं अपने दोस्तों को सिस्टम के लिए लिखवा देता हूँ. इसको स्टावन नाम दे देते हैं. कैंपस क्वेश्चन टू, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ लाइन स्टार वन व्हेन वी इनपुट मास 1 kg. तो हमें पता है हमें आंसर क्या मिला था दोस्तों, हमें आंसर मिला था 9E16. रीजन क्या है, बाय डिफॉल्ट सीआउट यूजेस साइंटिफिक नोटेशन. ठीक, अब अगला कैंपस क्वेश्चन में क्या मिला, हाउ वी कैन डिस्प्ले रिजल्ट ऑफ स्टार वन इन करेक्ट फॉर्मेट. नो साइंटिफिक नोटेशन. तो हमने लिखा इसका आंसर क्या था, हमने क्या लिखा दोस्तों, सी आउट लिखा है एनर्जी इक्वल टू, बस हमने सिस्टम से कहा कि हम जो भी डिस्प्ले करना चाहते हैं कौन से रिप्रेजेंटेशन में चाहते हैं, फिक्स्ड रिप्रेजेंटेशन में. मींस यूज फिक्स्ड मैनिपुलेटर बिफोर दैट वेरिएबल. डिफॉल्ट इज साइंटिफिक, यानी अगर हम नहीं लिखेंगे तो बैडिफॉल्ट को कौन सा नोटेशन देगा दोस्तों, साइंटिफिक नोटेशन. अब तक हमने बहुत ही बेसिक कैलकुलेशंस परफॉर्म किए हैं. कभी कभी हम कुछ ऐसे कैलकुलेशंस परफॉर्म करना चाहते हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज होते हैं, कोई बिल्ट इन फंक्शन यूज होते हैं. तो जब भी हमें कोई मैथमेटिकल फंक्शन परफॉर्म करा हो दोस्तों, तो उसके लिए हमारे पास अवेलेबल है math.h हेडर फाइल. अब इसमें सबसे पहले अवेलेबल है m_pi. आपको कैपिटल लेटर्स में रिप्रेजेंट लिखना है ऐसे दोस्तों, इट रिप्रेजेंट वैल्यू ऑफ पाई. यानी क्या दोस्तों, 22/7. नेक्स्ट फंक्शन है SQRT ऑफ x गिव्स स्क्वायर रूट ऑफ x. तो जो भी हम x देंगे उस हमें x का स्क्वायर रूट मिल जाएगा. नेक्स्ट फंक्शन है पावर ऑफ x कॉमा वाई कंप्यूट्स x टू द पावर y. अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों, जितने भी यहाँ पर हम फंक्शन पढ़ रहे हैं मोस्टली फंक्शन रिटर्न कैसी वैल्यू करते हैं, डबल डेटा टाइप. क्योंकि मैं आज ही पढ़ा था कि डबल की विशेषता क्या है, साइंटिफिक कंप्यूटेशन. तो दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप रिजल्ट स्टोर करें तो रिजल्ट इंटीजर में स्टोर मत कीजिएगा, फ्लोट में स्टोर मत कीजिएगा. रिजल्ट किस में स्टोर करेंगे, डबल डेटा टाइप में. क्योंकि यहाँ पर जितने भी आंसर्स आएंगे वो किसके फॉर्म में आएंगे, डबल डेटा टाइप के फॉर्म में. नेक्स्ट फंक्शन है ABS ऑफ x, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x. दोस्तों कुछ ऐसे फंक्शन है जिनको हटा दिया गया है, तो हो सकता है कि
एबीएस एरर दे दे, लेकिन हाँ अगर आप टर्बो सिम में काम करेंगे तो टर्बो सिम ही आज भी काम करेगा। वो तो जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो दिक्कतें आएंगी, तो उसका हम सॉल्यूशन भी निकाल लेंगे। नेक्स्ट फंक्शन दोस्तों एएक्सपी ऑफ एक्स गिव्स एक्सपोनेंशियल वैल्यू। ये क्वेश्चन जेडब्ल्यूबी भी आता था दोस्तों, जेडब्ल्यू में आता था कि एएक्सपी ऑफ वन कितना होता है। तो चलिए एक्सपोनेंशियल ऑफ वन हम साइंटिफिक कैलकुलेटर में निकालने की कोशिश करते हैं, नहीं तो फिर जावा से पूछ लेंगे, क्योंकि आजकल के साइंटिफिक कैलकुलेटर उल्टे हो गए हैं दोस्तों। वन का एक्सपोनेंशियल ये वैल्यू आती है दोस्तों 2.718 2828। तो ये जेडब्ल्यू में टीचर्स याद दिलाया करते थे कि भाई ये नंबर याद रखना। ठीक, अच्छा फिर हमने बात की थी तो उसे लॉग की, लॉग एक्स कंप्यूट्स नेचुरल लॉग। बेस ई यानी बेस इसका ई रहता है, ऐसे ही लॉग 10x कंप्यूट्स लॉग बेस 10। फिर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात की दोस्तों साइन की, तो साइन रेडियंस। अब सिंपल सी बात है कि साइन है तो कॉस भी होगा और 10 भी होगा। कॉजिक सेक और कॉट नहीं है, क्योंकि कॉजिक सेक और कॉट को हम कहते थे रेसिप्रोकल फंक्शन, 1/sin 1/cos 1/10। कंप्यूट्स साइन वैल्यू ऑफ गिवन एंगल विच इज इन रेडियंस। और अभी भी मैंने फॉर्मूला सिखाया था दोस्तों को, डी डिग्री इक्वल टू डी इंटू एम अंडरस्कोर पाई अपॉन 180। अब यहां पे मैं एम अंडरस्कोर पाई क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि हम जानते हैं कि सी लैंग्वेज में पाई किसको रिप्रेजेंट करता है, एम अंडरस्कोर पीआई। अब हमने बात किया था इनवर्स फंक्शंस को, तो ए साइन ऑफ वैल्यू ए कॉस ऑफ वैल्यू ए टेन ऑफ वैल्यू। कंप्यूट्स साइन इनवर्स इट टेक्स अ वैल्यू एंड गिव्स इट्स एंगल इन रेडियंस। अब यहां पे फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, आर रेडियंस इक्वल टू आर इंटू 180 अपॉन पाई डिग्रीज। हमने उल्टा फॉर्मूला लगा दिया, पहला फॉर्मूला क्या था दोस्तों, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, जबकि सेकेंड फॉर्मूला मैंने रिवर्स कर दिया, इसको ऊपर ले जाइए दोस्तों। तो आपस में क्रॉस करके मैंने फॉर्मूला बना दी, जिससे कि हमें क्या मिल जाएगा, डिग्रीज मिल जाएगी। हालांकि हम इसे अभी थोड़ी देर बाद यूज करेंगे प्रोग्रामिंग में। अच्छा फिर मैंने कहा दोस्तों से क्या, साइन एच एक्स कॉस एच एक्स टेन एच एक्स, जिसे हम कहते हैं हाइपरबोलिक साइन, हाइपरबोलिक साइन फंक्शन। और मैंने कहा था कि जेडब्ल्यू में क्वेश्चन आता है दोस्तों कि साइन एच एक्स बराबर होता है एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई 2 0। नेक्स्ट फंक्शन बड़ी इंटरेस्टिंग है, राउंड फंक्शन, राउंड ऑफ वैल्यू टू डियरेस्ट इंटीजर बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ ए डेसिमल।
is less than 5 और ग्रेटर देन इक्वल टू 5. तो हमें टीचर ने सिखाया था कि अगर लेस देन 5 है तो पुराना नंबर आ जाएगा. जैसे हमने एग्जांपल के तौर पे लिखा दोस्तों राउंड ऑफ 99.22, तो हमें आंसर क्या मिलने वाला है 99. लेकिन अगर हम कहें राउंड ऑफ में 99.55, तो वैल्यू डेसिमल के 5 से अगर ऊपर हुई तो नेक्स्ट नंबर लेगा, तो क्या लेगा 100. अगर आप लोगों के घर में ब्रॉडबैंड कनेक्शन हो या फाइबर ऑप्टिक्स कनेक्शन हो किसी कंपनी का, तो पोस्टपेड बिल आता है. पोस्टपेड बिल में क्योंकि आजकल GST जुड़ के आते हैं तो कुछ पैसे भी आते हैं. अब एक महीने क्या होते हैं, पैसे 50 से कम होते हैं तो आपसे कम पैसे वो लेते हैं. अब अगले महीने पुराना पैसा प्लस नया पैसा आपके जुड़ के 50% से ज़्यादा हो जाता है, जिससे कि अगले महीने वो 1 रुपया ज़्यादा लेते हैं. तो वहाँ पे टेक्निकली वो राउंडिंग करते हैं. जब हम होटल्स में जाते हैं तो होटल्स में भी बिल क्या होता है, तो उससे राउंड ऑफ होता है. अच्छा, कभी कभी हम चाहते हैं कि नीचे वाली वैल्यू यह है. फ्लोर फंक्शन गिव्स इंटीजर वैल्यू स्मॉलर देन गिवन नंबर एक्स. भाई राउंड का खासियत है कि राउंड देखता है कि प्लस 5 करना है कि माइनस 5. लेकिन फ्लोर हमेशा कौन सी वैल्यू देगा दोस्तों, फ्लोर हमेशा नीचे वाली वैल्यू देगा. तो 99.22 लिखोगे तो भी वही आएगा 99, और 99.55 लिखोगे तो भी क्या आएगा 99. क्यों? क्योंकि हमेशा वो वैल्यू देगा जो क्या हो, स्मॉलर देन एक्स हो. अच्छा, इसी का ही अपोजिट फंक्शन होता है सीलिंग. तो इसी का ही अपोजिट फंक्शन सील फंक्शन गिव्स इंटीजर वैल्यू लार्जर देन एक्स. तो 99.22 लिखोगे तो भी 100 आएगा, और 99.55 लिखोगे तो भी क्या आएगा 100. तो टेक्निकली फ्लोर और सीलिंग एक तरह के राउंड ही हैं. फ्लोर हमेशा नीचे वाली वैल्यू लेगा और सीलिंग हमेशा ऊपर वाली वैल्यू. और सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन दोस्तों एफ मोड. ये क्वेश्चन ECIL में पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड. तो हमारे कई दोस्तों का इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में एक क्वेश्चन पूछा जाता है. जैसे एफ मोड ऑफ 5.5, तो एफ मोड का फॉर्म है फ्रैक्शनल मोड, कंप्यूट्स फ्रैक्शनल मोड. या रिमाइंडर, जैसे मैं इसे फिगर से समझाऊं दोस्तों को, तो प्यारे दोस्तों हमने लिखा 5.5/2, तो 2 × 2 = 4. अब बचेगा कितना, 1.5, जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, तो उसी को हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर. तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 1.5. अच्छा, काश अगर ये इंटीजर वैल्यूज होती, अगर ये इंटीजर वैल्यूज होती तो हम ऐसे लिख सकते थे 5%. तो इसको रिमाइंडर ऑपरेटर कहते हैं. तो हमारे सी लैंग्वेज में दो तरह के रिमाइंडर हैं, एक तो इंटीजर रिमाइंडर और एक फ्रैक्शनल रिमाइंडर. फ्रैक्शनल रिमाइंडर के लिए हमेशा क्या यूज करना है, एफ मोड. जबकि इंटीजर के लिए क्या यूज करना है, परसेंट. जैसे 5% 2 मेरे दोस्तों, तो 2 × 2 = 4, रिमेनिंग कितना. तो ECIL कहता है कि एफ मोड फंक्शन की जरूरत कब पड़ती है, तो हमें आंसर देना पड़ेगा कि अगर कोई इंटीजर होता तो परसेंट से ही काम चल जाता, लेकिन जब जब कोई फ्रैक्शन वैल्यू होगी तो फ्रैक्शन वैल्यू के लिए क्या यूज होगा, एफ मोड. तो यहां मैंने दोस्तों को बताया कैंपस क्वेश्चन 3, टू कंप्यूट रिमाइंडर ऑफ इंटीजर वैल्यूज वी कैन यूज परसेंट ऑपरेटर. तो परसेंट को हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर ऑपरेटर. जैसे हमने एग्जांपल के तौर पे कराया कि हम ऐसा लिख सकते थे 5% 2, तो 5% 2 हमें क्या देगा, 1. क्यों,
क्योंकि ये हो जाएगा 5 इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 1। हमें स्कूल लाइफ में सिखाया गया था ऐसे दोस्तों। अब समय आ चुका है एग्जाम्पल प्रोग्राम सीखने का। अब यहाँ मैंने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखी थी दोस्तों के लिए कि अगर हम जीसीसी कंपाइलर्स में काम कर रहे हैं तो जीसीसी कंपाइलर्स में दो ऑप्शन है, या तो हम लिखें मैट और एच, या सिंपली क्या लिखें सी मैट। उसके इसमें क्या लगाने की जरूरत नहीं है, डॉट एच लगाने की जरूरत नहीं है। तो क्योंकि पहला प्रोग्राम है तो पहला प्रोग्राम में सिंपल फॉर्म ही बनाऊंगा। तो मेरा पहला प्रोग्राम है दोस्तों कंप्यूटिंग हाइपोटेनियस। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हो सकता है कि मेरी स्पेलिंग कहीं गलत हो, आप देख लीजिएगा। तो स्कूल लाइफ हम सब बच्चों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा हुआ था। सबसे पहले मैं इनपुट करना पड़ेगा दोस्तों पी, यानी परपेंडिकुलर। अब टीचर ने मैं इनपुट करना सिखा दिया कि कैसे इनपुट किया जाता है, तो किसी एक तरीके से मैं इनपुट करूंगा। हमें इनपुट करना पड़ेगा बेस। तो पाइथागोरस ने कहा कि आपको परपेंडिकुलर भी पता है, बेस भी पता है, तो हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला क्या है, एच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पी इंटू पी प्लस व्हाट दोस्तों, बी इंटू पी। हालांकि बी इंटू बी लिख के मैं ऐसा भी लिख सकता था पावर ऑफ बी कॉमा टू, क्योंकि बात तो एक ही है। अच्छा, अंत में हम किसे प्रिंट करवाएं, हम प्रिंट करवाएं एच को और फिर फिनिश। अब चलिए प्रोग्रामिंग शुरू कीजिए, क्योंकि लॉजिक तो समझ में आई क्या। अब दोस्तों मैं स्टूडेंट हूँ तो मुझे टीचर ने सिखाया था कि भाई सबसे पहले सोचो क्या क्या यूज हुआ। तो क्या क्या यूज हुआ, पी बी एच। फिर मैं देखूंगा कि टीचर ने मुझे कभी इनपुट करना सिखाया है कि नहीं, तो टीचर ने मुझे कई बार इनपुट करना सिखाया हुआ है। सी आउट सीन में उम्मीद करता हूँ कि आप यूज करोगे। तो मैं किससे यूज करूँ दोस्तों, प्रिंट एफ स्कैनफ। मैं किसी एक लाइन को कॉपी कर लूंगा क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ दोस्तों। अब सिंपल सी बात है, बस मैसेज तो चेंज करना है। जहां लिखा था एंटर क्या मास, वहां लिख देता हूं मैं एंटर परपेंडिकुलर। अब हमें पता है कि डेटा टाइप डबल है तो परसेंट एलएफ यूज होगा और किसमें इनपुट होगा, पी में। अब मैं स्टूडेंट हूं, मैंने इसे कॉपी कर लिया। अब जैसे मैंने ये इनपुट करवाया वैसे हम क्या इनपुट करवा सकते हैं, यहां पे हमने बी कर दिया। अब टीचर ने कहा भाई पी भी पता है बी भी पता है तो ये फॉर्मूला लगा सकते हो, तो मैंने ये फॉर्मूला कॉपी कर लिया। प्रोग्रामिंग में लास्ट में सेमीकोलन लगता है दोस्तों, आप ये भूल जाते हो, तो लास्ट में क्या लगा दो, सेमीकोलन। अब मैं सोचूंगा कि मैं इस लाइन को कैसे प्रिंट करवाऊं, तो मैं देखूंगा कि टीचर ने एनर्जी कैसे प्रिंट करवाई। तो जैसे जैसे टीचर ने एनर्जी प्रिंट करवाई उसको मैंने कॉपी कर लिया। बस जहां एनर्जी लिखा है टीचर ने वहां मैं क्या लिख दूं, हाइपोटेन्यूज इक्वल टू परसेंट, बस उसमें कोई यूनिट लगाने की जरूरत नहीं है। अब पहले हम ई शो करते थे, यहाँ पे क्या शो करना है, एच। अब हर प्रोग्राम में कुछ ना कुछ आता है दोस्तों, तो हर प्रोग्राम में आता है इंक्लूड। मुझे एस टी डी डॉट एच क्यू चाहिए, क्योंकि हम प्रिंट एफ स्कैनफ यूज कर रहे हैं। मुझे मैट डॉट एच क्यू चाहिए, क्योंकि आज ही टीचर ने सिखाया कि जो स्क्वायर रूट फंक्शन है ये किसमें डिफाइन किया गया है, मैट डॉट एच। और ये पी ओ डब्ल्यू भी किसमें, इसमें है। जब तक हम इसे इंक्लूड नहीं करेंगे तब तक प्रोग्राम फंक्शनिंग नहीं करेगा। अब लास्ट में बस हमें लगाना है रिटर्न जीरो और फिर है। अब आपसे मैं क्या उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों, डिज़ाइन सेम प्रोग्राम यूजिंग सी आउट सी। बस करना क्या है दोस्तों को, बस पिछला प्रोग्राम देखना है, पिछले प्रोग्राम के लॉजिक को समझना है, वैसे ही करते जाना है। तो चलिए इस प्रोग्राम को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। हाँ। और एक न्यू फाइल बना लेते हैं, प्राइम टी फाइल। यहाँ पे मेन फंक्शन मिसिंग है दोस्तों, क्योंकि हम जानते हैं कि एंट्री हमेशा कहाँ से होती है, मेन फंक्शन से। अब इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं।
put in this example. हमने जो डॉक्यूमेंटेशन की थी वहाँ पे भी हम हेडर फाइल को ऐड कर दें, सॉरी हेडर फाइल नहीं, मेन फंक्शन. अब प्रोग्राम कंपाइल किया जाए, देखें कि कंपाइल होता है या नहीं. एकदम सब बढ़िया है. अच्छा, हमारे बिगनर्स से कई बार एरर आती है कंपाइलेशन में. क्यों? क्योंकि वो टाइपिंग मिस्टेक करता है. अब क्योंकि मैं काफ़ी समय से प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ तो टाइपिंग मिस्टेक कम होती है दोस्तों, होती लेकिन कम. तो हम सब बच्चों को स्कूल में कुछ ही वैल्यूज पसंद थी, जैसे परपेंडिकुलर 3, बेस 4, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 25, 25 का स्क्वायर रूट 5. अच्छा, दूसरी वैल्यू दोस्तों में पसंद थी 6, 8, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 64 प्लस 36 100, और 100 का स्क्वायर रूट 10, जो प्रूफ करे कि हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही वर्क कर रहा है. दोस्तों, अब हम अपने मैटोडेच का एक और एग्जांपल सीखना चाहेंगे, क्योंकि आज हमारा फोकस ही था मैटोडेच. तो मेरे पसंद का प्रोग्राम है साइन वैल्यू का प्रोग्राम. हम जानते हैं कि कोई भी प्रोग्रामिंग सोचने से पहले मैं लॉजिक सोचता हूँ, जिससे हम कहते हैं एल्गोरिथम. तो सबसे पहले तो मुझे यूजर से पूछना पड़ेगा डी. तो डी यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिग्रीज. क्योंकि स्कूल लाइफ में टीचर ने सिखाया था साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90. तो टेक्निकली इट इज ऑलवेज इजियर फॉर द यूजर टू गिव डिग्रीज. लेकिन हम जानते हैं कि सी लैंग्वेज को डिग्री नहीं चाहिए दोस्तों. सी लैंग्वेज को क्या चाहिए? रेडियंस. तो आज हमें टीचर ने क्या सिखाया? फॉर्मूला सिखाया. हमें इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी कि यूजर ने जो डी दिया, उस डी को हम किस में कन्वर्ट करें? आर. अब अगेन यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ कि सभी बच्चों ने मैथमेटिक्स पढ़ी हुई है. नहीं भी पढ़ी हुई तो मैंने फॉर्मूला बता दिया, दिस इज अ फॉर्मूला. कारण क्या कि कई दोस्त मुझे सुन रहे जो कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, अब उनको अकाउंटिंग से के फॉर्मूले आते जो मुझे नहीं आते हैं. तो मेरा अकाउंटेंसी का दोस्त मुझे केवल फॉर्मूला लिख के दे देगा, जैसे डेप्रिसिएशन रेट. मुझे बस फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये सोचने की जरूरत नहीं वो फॉर्मूला बना कैसे. ऐसे आजकल लोग ईएमआई पे खरीदते कोई सामान, ईएमआई की किस्त आ जाती है दोस्तों, बस हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए. तो हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चों ने मैथमेटिक्स पढ़ी हो अच्छी तरह से, हो सकता है कुछ बच्चों ने बिल्कुल ना पढ़ी हो, बट दिस इज अ फॉर्मूला. अब हमें क्या अप्लाई करना है दोस्तों? V इक्वल टू क्या? साइन R. और फिर किसे प्रिंट करवाएंगे? प्रिंट V और फिनिश. तो जब मैं आपकी तरह स्टूडेंट होता हूँ तो हमेशा मैं लॉजिक सोच लेता हूँ पहले, कि पहले मैं क्या करूँगा, यूजर से डिग्री पूछूंगा. सी लैंग्वेज को रेडियंस चाहिए तो मैंने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दिया. हमने साइन फंक्शन अप्लाई किया, हमें वैल्यू मिल गई, वैल्यू को प्रिंट करवा दिया. अब लॉजिक सोचने से मेरा फायदा हो जाता है दोस्तों, कि मैं प्रोग्रामिंग इजीली कर पाता हूँ. मैं देखता हूँ कि मुझे कभी ना कभी टीचर ने इनपुट करा सिखाया था कि नहीं. अब क्योंकि पिछला प्रोग्राम मैंने प्रिंटफ स्क्रिप्ट से बनाया, तो डेफिनेटली अब इस प्रोग्राम को मुझे किससे बनाना चाहिए? सी आउट से. तो एंटर एंगल इन डिग्रीज. जिस प्रोग्राम को मैं बनाऊंगा प्रिंटफ स्क्रिप्ट से, वो आप सी आउट सीन से बनाओगे, यहाँ उल्टा हो जाएगा. तो एंटर एंगल इन डिग्रीज. हम जानते हैं कि सीन की विशेषता क्या है, बस आप किस में इनपुट करवाना चाहते हैं? डी में. आपको डे टू डे देने की जरूरत नहीं है. अच्छा, फिर हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है दोस्तों. तो ये हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया. अब हमें रेडियन मिल गया, तो हमें ये कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है. तो हमने कैलकुलेशन परफॉर्म कर ली. अभी वैल्यू प्रिंट करवानी है. तो दोस्तों, मैं देखूंगा कि टीचर ने मुझे कभी प्रिंट करना सिखाया था कि नहीं. तो टीचर ने मुझे ये प्रिंट करना सिखाया था सी आउट में. तो टीचर एग्जांपल सिखाते ही इसलिए कि अगर आपको कभी दिक्कतें आ जाए तो पुराने प्रोग्राम को देखो. तो बस जहां एनर्जी लिखा है दोस्तों, वहां मैं क्या लिख दूं? साइन वैल्यू इक्वल टू वी. अब यूनिट की जरूरत है तो यूनिट हटा दो आप. अब मैं स्टूडेंट हूं दोस्तों, मैं सोचूंगा कि कौन कौन से वेरिएबल मैंने यूज किए. तो क्या क्या यूज किया? एक्चुअली मैंने यूज किया डबल में डी, आर और वी. मैंने बार बार बताया कि जब भी साइंटिफिक कैलकुलेशन हो
तो साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए हमेशा क्या यूज करेंगे, डबल डेट टाइप। ये होल नंबर सर इंटीजर भी सपोर्ट करेगा और फ्रैक्शनल नंबर्स भी सपोर्ट करेगा। मेन फंक्शन रिटर्न जीरो। अच्छा दो हेडर फाइल्स, अब क्योंकि सी आउट सी ने दोस्तों तो कौन सी हेडर फाइल, आईओ स्ट्रिंग और क्या सी मैथ। पहले मैंने मैथ डॉट एच लिखा था, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ सी मैथ या फिर क्या दोस्तों मैथ डॉट एच, क्योंकि मैं टीचर तो दोनों कॉम्बिनेशन करके दिखा रहा हूँ दोस्तों को, आप लोगों की नॉलेज बढ़ाने के लिए। अभी भी इसमें कमी है दोस्तों, हमने पढ़ा था कि जीसीसी में क्या लिखना पड़ता है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, जिसका मतलब अभी मैंने किसी को भी नहीं समझाया। अब इस प्रोग्राम को मैं चेक करना चाहूँगा ये प्रोग्राम ओके है या नहीं। इसे सेव कर लेते हैं और इसका नाम दे देते हैं दोस्तों फोर साइन वैल्यू। अब इसे कंपाइल किया जाए, सब कुछ ओके है दोस्तों। तो हम बच्चों को तो स्कूल में बस एक ही डिग्री पसंद थी साइन की, वो थी 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 पर मैक्सिमम आता था 1। ऐसे बच्चों में सबसे खराब लगता था 270 डिग्री, क्योंकि 270 डिग्री पर माइनस 1 आ जाता था। 45 डिग्री दोस्तों, 1/√2। अब रूट टू था 1.414, तो 1/1.414, तो 0.707 ऐसे कुछ आएगा, 0.707 के आसपास, 0.707। यानी हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही फंक्शनिंग कर रहा है। डिजाइन अपोजिट प्रोग्राम ऑफ अबव कोड। Means, take a value from user and compute at what angle that value comes. जैसे अभी हमने कहा था 270 डिग्री, तो हमें माइनस वन मिला, तो टेक्निकली हम इनपुट क्या करेंगे माइनस वन, और सिस्टम बताएगा कि भाई माइनस वन किस पे आता है। अब हमेशा की तरह आसान क्या रहता है एल्गोरिदम। अभी हम मान के चलते कि हम किसी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में पहुंच गए और मैं आप लोगों का टीम लीडर हूं, तो टीम लीडर की ज़रूरत क्या है कि टीम लीडर में लॉजिक समझाता है दोस्तों कि करना क्या है। तो बच्चों को सबसे पहले वी इनपुट करवाना है। अब देखो मैंने आपको कई प्रोग्राम सिखाए, अगर ऐसे टीचर मैंने आपको डी इनपुट करना सिखाया दोस्तों, तो क्या आप वी इनपुट नहीं कर सकते, बिल्कुल इनपुट कर सकते हो। फिर स्टेप टू में इस वैल्यू का एंगल निकाल लोगे, तो आर इक्वल टू ए साइन ऑफ वी, क्योंकि आज हमने पढ़ा कि जब भी हमें इन्वर्स करना हो तो इन्वर्स के लिए कौन सा फंक्शन है, ए साइन ए कॉस ए टेन। अच्छा यहाँ मैं कल साइन यूज़ करके दिखा रहा हूँ, लेकिन घर में आप लोग कॉस भी यूज़ कर सकते हो, टेन भी यूज़ कर सकते हो, या फिर हमने स्कूल में पढ़ा था साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू हाउ मच, 1। तो आप चाहते मेरे दोस्तों तो यहाँ पर बड़ी सी इक्वेशन भी लिख सकते थे। यहाँ पर हमने जो छोटी सी इक्वेशन लिखी, यहाँ पे आप क्या लिख सकते थे, साइन इंटू साइन आर प्लस क्या कॉस आर इंटू कॉस आर। तो जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री मेरे बच्चों ने सीखी अपने स्कूल लाइफ में, वो सब की सब यहाँ अप्लाई कर सकते थे आप लोग। जैसे 1 + 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हाउ मच, sec स्क्वायर एक्स। तो टेक्निकली बहुत सारे फॉर्मूले हम बच्चों ने पढ़े हैं स्कूल लाइफ में। हालांकि मैंने जब 12th पढ़ी थी दोस्तों, तब 1996 चल रहा था, तो कितने इयर्स हो गए, 4 years + 26 years, तो 26 years बैक मैंने 12th क्लास पढ़ी थी दोस्तों। चलिए वापस हम यहाँ आ जाते हैं। तो हमने यूजर से वैल्यू पूछी, वैल्यू के बेसिस पे क्या निकाल दिया, आर निकाल लिया, लेकिन हम जानते हैं कि यूजर को किसने दिखाना है आंसर, टेकिंग वैल्यू बिटवीन
माइनस वन एंड प्लस वन, क्योंकि मैं स्कूल में टीचर ने पढ़ाया था कि ये वैल्यू माइनस वन से प्लस वन के बीच में होनी चाहिए. कंप्यूट साइन इनवर्स. और अंतिम स्टेप में क्या होगा दोस्तों, डी इक्वल टू आर इन टू 180 अपॉन एम अंडरस्कोर पाई. ये क्या कर रहा है, कन्वर्ट रेडियंस टू डिग्रीज, क्योंकि यूजर को क्या दिखानी है, डिग्रीज. और अंत में कैसे प्रिंट करना है दोस्तों, हमें प्रिंट करना है डी को और फिनिश. तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस स्टेप को अगर आप फॉलो करेंगे तो प्रोग्राम डिज़ाइन हो सकता है. दोस्तों अब तक मैं जितने भी एग्जाम्पल करके सबके सब नंबर्स पे थे, लेकिन अब मैं एग्जाम्पल किसका कवर करना चाहूँगा, कैरेक्टर का. और मेरा एक इंटरव्यू क्वेश्चन मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ. टेक अ कैरेक्टर फ्रॉम यूजर एंड डिस्प्ले इट्स आस्की वैल्यू. अगर आपने पिछली क्लास को रिवाइज किया हो तो हमने पढ़ा था कि आस्की का मतलब है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. इन कंप्यूटर ईच लेटर हैव सम न्यूमेरिकल वैल्यू. असाइन टू इट नोन एज इट्स आस्की कोड. भाई हम जानते हैं कि कंप्यूटर भैया को इंग्लिश तो आती नहीं है, तो टेक्निकली मैं प्रेस करता हूँ ए, लेकिन हमारे आस्की में एक एक न्यूमेरिकल वैल्यू, तो हमारे सिस्टम में क्या चली जाती है, न्यूमेरिकल वैल्यू. बी प्रेस करता हूँ तो न्यूमेरिकल वैल्यू, सी तो न्यूमेरिकल वैल्यू. तो आज हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाना चाहेंगे जो हमसे कैरेक्टर लेगा और बताएगा क्या उसकी आस्की वैल्यू. नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो आस्की को डिटेल में डिस्कस करेंगे. आज सुबह मैं ये सिखाना चाहता हूँ कि हर कैरेक्टर की एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है. तो लास्ट टाइम मैंने पढ़ा था कि कैरेक्टर में -120 to 127 भी स्टोर कर सकते हैं, या 0 to 255. क्यों? क्योंकि टेक्निकली हर कैरेक्टर की क्या होती है, एक आस्की वैल्यू होती है दोस्तों. तो हमेशा की तरह हमने प्रोग्राम को स्टार्ट किया और हम जानते कि अब हम यहाँ पे डिटेल कौन सा यूज करें, कैर. और लिख रहे हैं प्रिंट एफ एंटर अ कैरेक्टर. कैरेक्टर मीन सिंगल लेटर, कोई भी एक सिंगल लेटर दबाना है दोस्तों को. हमने पढ़ा था स्कैनएफ में परसेंट डी परसेंट एफ, लेकिन कैरेक्टर के लिए क्या दोस्तों, परसेंट सी. परसेंट सी इज यूज फॉर कैरेक्टर. तो जब भी हमें कैरेक्टर वैल्यू लेनी तो हम यूज करते हैं परसेंट सी. अब हमें लास्ट में क्या लिखना है, प्रिंट एफ कैरेक्टर इक्वल टू खाली स्थान, आस्की इक्वल टू खाली स्थान. मैं ऐसे सोचता हूँ दोस्तों खाली स्थान के फॉर्म में. अब दो खाली स्थान है, कौन सा कैरेक्टर प्रिंट करवाना है, सी. और आस्की वैल्यू भी किसकी जाननी है, सी की. अब बच्चों कैरेक्टर के लिए कोड क्या होता है, परसेंट सी. लेकिन आस्की कैसी वैल्यू है, न्यूमेरिकल. और न्यूमेरिकल के क्या यूज होता है, परसेंट. तो हम एक ही डेटा को दो बार डिस्प्ले करवा रहे हैं, एक बार कैरेक्टर के फॉर्म में और एक बार न्यूमेरिक के फॉर्म में. चलिए इसको रन करते तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा. हमने यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाई और पेस्ट कर दिया. बस का मैं नाम दे रहा हूँ कैरेक्टर टू आस्की, कैरेक्टर टू आस्की डॉट सी. इसे कंपाइल किया जाए और रन किया जाए. और मैं प्रेस करूँ कैपिटल ई तो सिस्टम बता रहा है, भाई भूपेंद्र तुम्हारा कैरेक्टर तो ए है लेकिन उसकी आस्की वैल्यू क्या है, 65. दोस्तों ऐसे ही मैं रन करूँ, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ स्मॉल ए, तो सिस्टम कह रहा है कि कैरेक्टर तो स्मॉल है लेकिन उसकी आस्की वैल्यू क्या है, 97. तो कैंपस में पूछा जाता है कि छोटा अक्षर और बड़ा अक्षर क्यों अंतर है, क्योंकि दोनों का आस्की वैल्यू क्या है, डिफरेंट. क्योंकि दोनों का आस्की वैल्यू डिफरेंट है, इस कारण से कंप्यूटर दोनों को डिफरेंट ट्रीट करता है. तो यहाँ टीचर ने क्या समझाया दोस्तों, कि जब हमने ए इनपुट किया
तो यहाँ पे कैरेक्टर के फॉर्म में प्रिंट हुआ, हमने यहाँ पे ए इनपुट किया था, तो यहाँ पे कैरेक्टर के फॉर्म में शो हुआ। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमने पर्सन डी लिखा है तो हमें उसकी क्या शो हुई, आस्की वैल्यू। बस आपको करना क्या घर में कि इस प्रोग्राम को कई बार रन करना है और कीबोर्ड की जिस भी की आस्की वैल्यू जानना चाहें उसको प्रेस कर दीजिएगा। अच्छा, घर में आप इसका उल्टा भी बना सकते हैं, टेक आस्की वैल्यू परसेंट डी। भाई यहाँ पे जो मैंने परसेंट सी लिखा है वहाँ पे परसेंट डी आ जाएगा क्योंकि नंबर है, एंड डिस्प्ले इट्स कैरेक्टर। टेक्निकली पूरा प्रोग्राम सेम रहेगा दोस्तों, कोई चेंज नहीं, बस यहाँ पे कैरेक्टर की जगह हम इंटीजर कर देंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे परसेंट डी कर देंगे, मैसेज चेंज कर दीजिएगा।